चलिए आज आप लोग देखेंगे यहां से जैसे ये कैसे मेरा टाइटल बार यहां से अंदर की तरह छुप जाते हैं वर्डपैड में, और इसी के सारे ये सारे मेनू कैसे हटेंगे और कैसे आएंगे। तो यहां पे शो बिलो द रिबन, शो बिलो द रिबन जो लिखे गए हैं यहां पे अगर हम एक बार क्लिक करेंगे तो क्या होंगे हमारे जो भी होम और व्यू यहां पे जो दिख रहे हैं आप लोगों को होम और भी व्यू जो इसके नीचे आ जाएंगे और ये जो आपको रूल्स दिए गए हैं और इसके ऊपर चले जाएंगे। चलिए हम यहाँ पे जाते हैं और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं। क्या क्लिक करते हैं? माउस का लेफ्ट बटन यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो मेरा आ जाएगा जैसे हमने बोला वैसे आ गया। लेकिन एक बात इसमें ये हो रही है कि जो यहाँ पे हम जैसे होम पे क्लिक करते थे तो इतनी सारे आता था और आज भी आ रहा, लेकिन कहीं भी क्लिक यहाँ पे वर्किंग पेज पे हम करते थे तो ये मेरा गायब नहीं होता था। लेकिन अभी की सिचुएशन है व्यू पे जाकर या कहीं पे यहाँ क्लिक कर दे तो मेरा वो सारे टूल्स हाइड हो जा रहे हैं, यानी दिख नहीं पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीजें हैं कि जब भी हम एक वर्ड पैड को ओपन करते हैं तो इसमें एटमेटिक कौन सी टैब खुले हुए रहते हैं? एटमेटिक आपको होम टैब खुले हुए रहते हैं। तो होम टैब अगर खुले हुए रहते हैं और यहाँ पे खुले हुए भी रहते हैं लेकिन ये खत्म कैसे हुए हैं इसको हाइड कर दिया गया है, और इससे हाइड को कैसे हम छुपाएंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये जो दिए गए हैं एरो यानी तीर की टाइप का थोड़ा सा दिया गया जिसका नाम है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो हमने यहाँ पे जाएंगे और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने आया और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक किए, और जैसे हमने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक किए और लास्ट वाले ऑप्शन जो दिए गए हैं मिनिमाइज द रिबन, मिनिमाइज द यहाँ पे रिबन कर दो। हेलो, ठीक है। तो यहां से हमने क्या करेंगे, यहां से हम इसको ये कर देंगे आपको मिनिमाइज द रिबन। तो ये जो टिक किए गए हैं यहाँ पे हमने टिक करके और यहां से क्लिक कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएंगे ये क्लियर हो जाएंगे। जैसे हमने कर दिया तो ये क्या हुआ, आप जहां पे भी आप क्लिक करेंगे और कहीं पे भी क्लिक करें तो मेरा क्या रहेंगे यहाँ पे ओपन रहेंगे। तो जैसे हमने होम पे हैं तो ऐसे, तो ये सारी चीजें हैं जिसको जिस तरह से होते हैं वो अपनी सेटिंग कर देते हैं। और यहाँ से हमने क्या किए क्लिक कर दिए, और जैसे यहाँ से हम इसको क्लोज करके भी देखते हैं एक बार होता है या नहीं होता है। वर्डपैड को ओपन करने के लिए बहुत सारे यहाँ पे नियम दिए गए हैं, और जैसे हमने यहाँ पे ये क्लिक कर दिए और देखिए यहाँ पे हमने जब भी ओपन किए तो मेरा ऑटोमेटिक आपको होम टैब ही क्या है खुले हुए हैं। क्या खुला हुआ है? ऑटोमेटिक आपको होम टैब खुला हुआ है। फिर यहाँ पे क्लोज करके ग्रोर देख लेते हैं तो खुला हुआ है ना। तो ऐसे करके हम इसको हम क्या कर सकते हैं सेटिंग कर सकते हैं। अगर इसे हाइड भी करना होगा तो फिर उसी तरह सेम फॉर्मूला यहाँ पे जाएंगे और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो मेरा क्या होगा यहाँ से क्लिक हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे दिए गए हैं क्या, चलते हैं यहाँ पे कल की क्लास में हमने आपको बताए थे यहाँ से आपको न्यू और न्यू के बाद ओपन और ओपन के बाद यहाँ पे सेव। तो हमने न्यू और ओपन बता दिए थे, जो जो नहीं लिखे होंगे यहाँ से इसका लिखते चलेंगे या आप थ्योरी से लिख कर लिखिए या फिर आप बोलिएगा तो हम यहाँ पे आपको लिखवाते चलेंगे एक एक लाइन करके, और नोट पर भी आप लोग लिख लीजिएगा। तो सबसे बड़ी चीजें हैं न्यू, जब न्यू का मतलब होता है कि कोई भी पेज नए लेने के लिए हम न्यू ऑप्शन का उपयोग करते हैं। ओपन का मतलब होता है कि पहले से कोई कार्य किए गए हैं और उसे सुरक्षित उस फाइल को सेव करके रखे गए हैं, उस फाइल को ओपन करने के लिए हम इस ओपन के माध्यम से हम उसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिए गए सेव, सेव का मतलब होता है सुरक्षित सेव करने के लिए। बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जैसे हम उसको यहाँ पे सेव पे हम क्लिक कर देंगे और सेव पे क्लिक जब करते हैं तो जिस लोकेशन पे आपको सेव करना है
उस लोकेशन पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। डाउनलोड में अगर करनी है तो आप डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, और यहाँ डेस्कटॉप पे करना है तो आप डेस्कटॉप पे क्लिक कीजिए, या रिसेंट पैलेस में करना है तो रिसेंट पैलेस में कीजिए, या डॉक्यूमेंट में करना है, या म्यूजिक में, या न्यू लाइब्रेरी, या पिक्चर में, जिस पे आपको क्लिक करना है, जिस जगह आपको रखना है उस जगह पे हम जाएंगे और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देंगे। जैसे मुझे म्यूजिक में रखना है और म्यूजिक में इस फाइल को रखना है, और उसी तरह यहाँ पे इस फाइल को यहाँ पे लिखना है। जैसे आप किस नाम से इस फाइल को सेव करना चाहते हैं, सेव की हिंदी होते हैं सुरक्षित करना। जैसे यहाँ पे हमने इस फाइल का नाम दे दिया यहाँ पे मोहन, तो मोहन नाम के और ये क्या होंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। और ये ऑलरेडी पहले से मोहन लिखा हुआ है, इसलिए क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं नहीं लिखा हुआ है, ये एटमेटिक दिखाते हैं। और जैसे मान ले कि यहाँ पे अगर आप सोहन भी लिखते हैं, यहाँ पे सोहन सोहन आ गए, तो आप जो नाम यहाँ पे जो लिखे रहेंगे वो नाम सेम नहीं होनी चाहिए। अगर सेम नाम होंगे तो रिप्लेस हो जाएंगे पहले वाला फाइल आपको खत्म होकर, जो नाम से आप पहले सेव कर रहे हैं उसी नाम में हो जाएगा। इसमें किसी कोई दिक्कत कोई डाउट? अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक्सटेंशन नेम होते हैं बाबू। एक्सटेंशन नेम का काम क्या है, जैसे हम एक बड़े वाले फोन लेते हैं, जैसे वो स्क्रीन टच सबके पास फोन होंगे, उस फोन में एक गैलरी होते हैं और एक कैमरा होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है उसमें जो वीडियो होते हैं, फिल्म वगैरह देखना हो, या जो वीडियो हम सेटिंग किए रहते हैं, सेव किए रहते हैं, उस वीडियो को अगर देखना हो तो उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर आते हैं जो हाई क्वालिटी का भी वीडियो हम उसमें चलाकर देख सकते हैं, जिसका नाम होते हैं एपेक्स प्लेयर। और उसी तरह ओनली एक होते हैं पिक के लिए, जैसे ब्यूटी प्लस आता है, फिर उसके अलग पिकर आता है, फिर उसके अंदर पिक्सल आता है, तो ये सारे चीजें हैं। तो जिस चीज के लिए जो एप्लीकेशन बनाए गए हैं वही चीज उसके लिए है और वही चीज वो सपोर्ट करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये सारे चीज दिए गए हैं, इस सॉफ्टवेयर का काम है कि RTF ये सपोर्टेड करेंगे, ऑफिस ओपन XML जो डॉक्यूमेंट है उसे सपोर्ट करेंगे, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स है उसे सपोर्ट करेंगे, और टेक्स डॉक्यूमेंट है उसे भी सपोर्ट करेंगे, और टेक्स डॉक्यूमेंट MS-DOS फॉर्मेट है उसको सपोर्ट करेंगे। या टेक्स यहाँ पे यूनिकोड दिए गए हैं, टेक्स डॉक्यूमेंट सिर्फ इतना ही ये क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, इसके अलावा कोई ये सपोर्टेड नहीं करेंगे। जैसे हमने अगर MX प्लेयर पे अगर चाहेंगे फोटो खींचना तो कभी नहीं खिंचाएंगे, क्योंकि उसकी सपोर्टेड और उसकी फॉर्मेट नहीं है, इसलिए उसमें हम फोटो नहीं खींच सकते और उसमें वो ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। लेकिन इससे पहले हम कुछ दिन पहले, एक या दो दिन पहले हमने आपको पढ़ाया है नोटपैड, तो नोटपैड पढ़ाया है, तो नोटपैड कहता है कि ये एक्सटेंशन आपकी सपोर्टेड करते हैं और उसके अलावा ऑल सब्जेक्ट का वो सपोर्टेड करता है ना, तो उसमें आता था ऑल वहां पे लिखता था, ऑल वाले सेलेक्ट कर देते सब में वो बोलना ओके हो जाता। तो चलिए हमने इसको RTF ही ले लेते हैं इसका, और RTF का फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। और उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये मेरा फाइल सुरक्षित हो जाएंगे। अगर गलत से मैं इस पे क्लिक करूं और या फिर इस पे क्लिक करूं तो मेरा क्या होगा, ये फाइल सुरक्षित नहीं रहेंगे और जैसा का तैसा रहेगा जो पहले से है, कोई दिक्कत इसमें? तो सुरक्षित करने का मतलब है सेव करना। आप सुरक्षित यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से न्यू करके आप चाहे तो इसमें कोई चीज टेक्स्ट को हम लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा टाटा, हमने किसी फाइल में हमने क्या लिखे टाटा, और टाटा लिखने के बाद जैसे हमने न्यू करते हैं तो यहाँ से भी सेव वाले ऑप्शन के आने के बाद हम इस ऑप्शन पे आ गए, या फिर आप ये जो सेव दिए गए हैं इस पे आप सेव क्लिक करेंगे तो फिर आप यहाँ से सुरक्षित कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड पे जाकर Ctrl+S क्लिक करेंगे तो मेरा सेव होगा। सेव करने का हमने
वर्ड पेयर में चार तरीके बताए, कितने तरीके बताए बाबू, चार तरीके। ये सारी चीजें आपको लैब करके देखनी है और आपको करना भी है। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम होता है, कोई दिक्कत होता है, तो बेझिझक पूछे और हम जरूर आपको बताएंगे और हेल्प भी करेंगे जहां आपको प्रॉब्लम होगा वहां तक। नेक्स्ट यहां पे आपको दिए गए हैं सेव एज। अब देखिए सेव एज का काम क्या है इस बारे में हम लोग देखते हैं। सेव एज का मतलब होता है कि पहले से कोई फाइल सेव किए हुए हैं, उसकी फाइल नेम को अगर चेंज करना है तो सेव एज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या कुछ उसमें ऐड या एडिटिंग या कोई चीज उसमें टेक्स्ट को इधर उधर करके भी दूसरे नाम से हम फाइल को सेव करने के लिए हम फाइल सेव एज का हम इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे किसी कंपनी में, जैसे एयरटेल कंपनी में ऑलरेडी पहले 5 लड़का काम कर रहे हैं जिसमें हम भी काम कर रहे हैं, तो 2 साल से हम लोग कार्यरत हैं और 2 साल से हमने काम कर रहे हैं मोतिहारी में। लेकिन नए बॉस आए हैं तो उनकी आदेश है कि 5 लड़का को भी इंटरव्यू लेकर ओके कर देनी है, और वो लड़का इंटरव्यू लेकर ओके भी हो चुका है वो 5 लड़का, और 5 लड़का पहले से जो काम कर रहे हैं उसका। तो 5 लड़का को नाम लिखने में 1 दिन लगता है, तो 10 आदमी को नाम लिखने में या 10 लड़के को नाम लिखने में कितने दिन लगेंगे को बताएंगे, कितने दिन लगेंगे। 5 व्यक्ति का नाम लिखने में 1 दिन लगा तो 10 व्यक्ति के नाम लिखने में कितने दिन लगेंगे, बोलिए। 2 दिन लगेंगे ना। तो अगर कोई व्यक्ति उसे 2 दिन के लिए वर्क दिए गए और उसे 2 दिन का काम अगर वो 1 दिन में कर देता है तो 1 दिन उसे छुट्टी मिल जाएगा, यही ना होगा, या उसे रेस्ट मिल जाएगा। तो कहने का मतलब उसके लिए पहले वाले जो फाइल है वो मोतिहारी नाम से सेव है, उस फाइल को हम ओपन कर लेंगे और उसे सेव एज कर देंगे। नाम उसमें 5 को ऐड कर देंगे, 1 दिन में 5 ऐड हो जाएंगे नए वाले को, और पहले वाला जैसा तैसा है तो, और उसे सेव एज कर देंगे तो पहले वाले फाइल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो जैसा का तैसा सुरक्षित रहेगा। अगर फाइल नेम हम नहीं चेंज करेंगे तो इफेक्ट पड़ सकता है क्योंकि वो फाइल खत्म हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। जैसे एक फाइल यहाँ पे हम कोई फाइल को हम ओपन करते हैं, जैसे इस फाइल को हमने सेव ना करके इसे कट कर देते हैं और ये सारी चीजें, और यहाँ से हम ओपन करते हैं कोई फाइल म्यूजिक पटना, और इसे हम ओपन करते हैं, डाउन सेव कर देते हैं। तो इसमें इतने व्यक्ति क्या है, ऐड है, यानी वो सब पहले से लिखा हुआ है। अब उसके बाद 2, 4, 6, 8, 10 और इसमें 12 आदमी को लिखना है। कितने आदमी है अभी, 10 आदमी। तो इसमें एक और नाम लिख देंगे, जैसे यहाँ पे रुपेश लिखा रहा नहीं लिखा रहा, यहाँ पे सूरज, तो 2 नाम हमने ऐड कर दिए और इस नाम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए जो पटना नाम से है, तो हम इसे सेव एज कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं ढाका। हमने लिख दिया ढाका, ढाका नाम से हमने कहा सेव कर रहे हैं, म्यूजिक में यहाँ दिखाता है, इसको हम बोलते हैं पाथ, इसमें टोटल दिखाते हैं। ये देखिए कह रहा है यू आर अबाउट टू सेव द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट ओनली फॉर्मेट यस, तो ये जो पहले से जो फाइल है उसमें भी आपको रिमूव हो जाएंगे, हो गए। अब यहाँ पे ढाका शो करने लगे और फिर उसे हम ओपन करना है पटना को, तो पटना में क्या है, जैसा फॉर्मेट था वैसा है। यहाँ पे हम देख लेते हैं 2, 4, 6, 2, 8, 2, 10 है ना, हमने 12 किया था उसमें, तो उसमें 12 से सेव होगा। जैसे हमने उसे भी हम चेक कर लेते हैं ओपन करके, म्यूजिक पे क्लिक करेंगे और म्यूजिक पे क्लिक करने के बाद ढाका नाम से सेव किया उस फाइल को खोल कर उसे सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, इस तरह से ये फाइल सेव हो जाएंगे, हुआ ना। या फिर
इसे आप यहाँ से बड़े साइज करके आप इसे चाहे तो सेव कर सकते हैं। होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो अगर नहीं सेव करना है तो नो कर देंगे, तो यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। मेरा जैसे फॉर्मेट है उसी तरह से मेरा फॉर्मेटिंग में सेव हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग इसे क्लोज कर देते हैं और यहाँ से हम लोग ले लेते हैं और आगे की क्लास हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपको दिए गए हैं सेव एज, ओके प्रिंट। प्रिंट में आपको आ जाते हैं ये, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ओनली प्रिंट के बारे में हम यहाँ से प्रिंटर को सिलेक्शन करेंगे। जैसे मेरे पास 10 पीस जो दिए गए हैं एसपी लेजर जेट, और इसे हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद ये ऑल सिलेक्टेड है, यानी टोटल जितने भी पेज में टाइप होंगे टोटल प्रिंट देना अलाउ कर देंगे। ये सिलेक्शन यानी पेज को एक एक करके सिलेक्शन करेंगे, और पेजेस का मतलब होता है कि मान लीजिए 500 पेज हैं तो उसमें 350 से निकालना है हमको 400 तक, तो 350 और से के लिए माइनस यहाँ डाल देंगे 400, तो मात्र 50 पेज ही निकलेंगे। उसी तरह है आपको यहाँ पे करेंट पेज, करेंट पेज का मतलब होता है कि माउस जिस पेज पे क्लिक होंगे उसी को हम लोग बोलते हैं करेंट पेज, जो डिस्प्ले पे दिखे, ठीक है। और यहाँ से अप्लाई और प्रिंट कर देंगे तो प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको दिए गए हैं नंबर ऑफ कॉपी, यहाँ से कितने कॉपी के मतलब कितने कॉपी में आप उसे प्रिंट करने चाहते हैं, 10 कॉपी, 5 कॉपी, 1 कॉपी, 2 कॉपी, तो यहाँ से आप इसको रख सकते हैं। इसमें किसी तरह से किसी कोई डाउट, कोई दिक्कत? नेक्स्ट किससे, कितना से ज्यादा? अभी तो लिखा है यहाँ नहीं, किसी भी सिस्टम में 9 से ज्यादा नहीं लिखाएंगे। वो किसमें नहीं लिखाएंगे? तो आपको नोटपैड में नहीं लिखाएंगे। ये एप्लीकेशन नोटपैड नहीं है, ये आप पढ़ रहे हैं वर्डपैड, ध्यान दीजिए। हम पढ़ रहे हैं कौन सी एप्लीकेशन? वर्डपैड। अब इसमें क्या उसमें मिक्स नहीं करना है। आप देख सकते हैं नोटपैड भी हम आपको खोलते हैं और यहाँ से करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हम आ जाएंगे प्रिंट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ हम इसे ज्यादा नहीं जा सकते हैं जो कि यहाँ पे आपको दिए गए। जब भी होगा 8 हो जाएंगे, जब भी होगा 9 हो जाएंगे, लेकिन यही अगर हम 10 करते हैं तो 9 तक ही ओनली वन डिजिट ही सपोर्ट करेंगे, 2 डिजिट नहीं सपोर्ट करेंगे। इसमें किसी कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट बोलिए बाबू। नेक्स्ट हम लोग ये सारे चीजें समझ गए, और अप्लाई, कैंसिल और प्रिंट में किसी कोई दिक्कत? और क्लोज तो यहाँ है, बोलिए। इसमें तुम जितने डाल सको, उससे आगे जितने भी एप्लीकेशन जाएगी, तुम जितना पेज को तुम पेस्ट भी कर सको, प्रिंट कर सको, उतना लिख सकती हो। क्या क्या इसमें क्या रिवाइज कराना है बाबू, बताइए। जो नहीं समझ में आया उसको रिवाइज करा देंगे। करेंट पेज नहीं, क्या करेंट पेज? देखिए करेंट पेज और सिलेक्शन पेज, ये दो पेज इसमें हाईलाइटेड नहीं है, क्योंकि इसमें ये दोनों पेज काम आपको नहीं करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ जब एप्लीकेशन आगे पढ़ेंगे, ये एक्सेल हो गया, और एक्सेल के अलावा भी यहाँ पे आपको वर्ड दिए गए हैं, इसमें जब आएंगे तो इसको विस्तार रूप से अपनाएंगे। देखिए इतने बहुत बहुत यहाँ पे काबिल लोग हैं जो कि यहाँ से इसको अनहाइड कर देते हैं, और यहाँ से इसको हम करेंगे प्रिंट। अब बोलिए इसमें टोटल का टोटल मेनू आपको हाईलाइटेड मिलेंगे। यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पेजेस पे क्लिक कीजिए, करेंट पे कीजिए, ऑल सिलेक्शन पे कीजिए, ठीक है। जो भी अब सिलेक्शन पे करेंगे यहाँ से हो जाएंगे। आपको कितने कॉपी चाहिए यहाँ से आप बनाते चलिए भाई, ये भी हाईलाइटेड है, ठीक है। बताइए इसमें किसको प्रॉब्लम है? प्रिंट वहाँ भी भरना है, प्रिंट यहाँ भी भरना है, पर वहाँ पर पेज लिखा है, वहाँ पर नंबर कॉपी लिखा है, हाँ, तो उसका दोनों एक ही मतलब? कहाँ पेज लिखा है? पेजेज का हमने बताया कि कौन से पेज को प्रिंट करना है। 500 पेज में तुम टाइप की हो, 500 पेज में मात्र हमको 10 पेज को टाइप प्रिंट करना है,
ये जो लास्ट वाला, तो 490 से लेंगे 500 डाल देंगे, यहाँ पे 490 ले लेंगे, इसमें क्या लिख देंगे 490 से के लिए माइनस, और यहाँ डाल देंगे 400। तो इसके बीच में जो होंगे कितने पे जाए 10, तो 10 यानी यहाँ 500 हम डाल देंगे, या नीचे से भी एक चेकिंग यहाँ हम डाल देंगे 500, तो कितने हो गए 10 हो गए। ये 10 पेज ही प्रिंट करेंगे। ये हो गया कैश सेट में चाहिए, ये सेट हो गया अकेडमी को आपको देना है, उस तरह से प्रिंट करेंगे। आया समझ में? अब बोलिए किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? बाबू आपको जो प्रॉब्लम है वही बोलिए, फिर से कहिएगा, फिर से गुरु और पढ़ा दीजिए, तो फिर तो वही हो गया ना। अभी हम पढ़ाए जो प्रॉब्लम है वो बोलिए। सर फर्स्ट वाला लेना है तो क्या? फर्स्ट वाला ऑल पे क्लिक कर देंगे तो टोटल जितने 500 पेज टाइप किए 500 पेज हो जाएंगे। आपको फोटो कॉपी जैसे यहाँ डाले 16 से, तो सर तो फर्स्ट में से 10 हुए तो पेजेस पे क्लिक कीजिए, कौना पेज लाइन से कौना पेज लाइन से के डाल दीजिए। समझ गए? और किसी कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? करेंट पेज का मतलब होता है कि जिस पेज पे आप काम कर रहे हैं वही पेज होता है, जहां आप माउस क्लिक होंगे वही आपको करेंट पेज हो जाएंगे, तो सिर्फ एक ही पेज निकलेगा। कभी भी काम कीजिएगा तो एक ही पेज पे काम ना कीजिएगा, एक साथ 10-15 पेज पे आप थोड़ी काम कर सकते हैं। नहीं समझे? नेक्स्ट क्लोज करें इसे। चलिए यहाँ से हम इसे क्लोज कर दिए, हम अपने आते हैं जहाँ हमारी कोर्स रुके गए हैं, और उसके बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं प्रिंट कंप्लीटेड। प्रिंट के अंदर आपको क्विक प्रिंट, जब एक बार इसे अगर आप सेटिंग कर दे तुरंत मारिएगा, तुरंत देखे बन क्या होगा मेरा प्रिंट हो जाएगा। क्या होगा प्रिंट, क्योंकि टोटल चीज आप सेटिंग कर रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है ये दिखाना कि आप जो पेज को प्रिंट करने जा रहे हैं वो पेज आपको दिखाएंगे, वन पेज, टू पेज, डबल पेज रहेंगे, टू पेज दिखाएंगे, ठीक है। और यहाँ से आपको प्रिंट, तो प्रिंट हमने अभी जस्ट पढ़ा है, इसमें किसी कोई डाउट, कोई दिक्कत बोलिए, अगर दिक्कत है तो बोला जाए, फिर से हम इसको रिपीट कर देंगे। और इसी के अंदर आपको आते हैं प्रिंट, क्या आते हैं, इसी के अंदर आपको आते हैं प्रिंट, जो कि यहाँ से हमने क्लिक किया और ये पेज सेटअप पे हम आ गए। यहाँ से पेज की सेटिंग की जाती है, यहाँ 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 से प्रिंट प्रीव्यू आए। तो यहाँ से अब हम लोग देखते हैं, इस पे हम क्लिक करेंगे, आ गया। तो ये सारी चीजें अभी जस्ट हमने बताया, और नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं और भी पेज को लेकर क्रिएट करके। तो यहाँ से एंटर मारेंगे तो मेरा नीचे की तरफ क्या हो गया, टेक्स्ट चला जाएगा, लाइनिंग चला जाता है नीचे की तरफ, जाता है ना। तो यहाँ से हम कुछ ले लिए पेज को, और नेक्स्ट यहाँ पे हम आ जाते हैं और प्रिंट प्रीव्यू में, और देखेंगे तो मेरा यहाँ से हाईलाइटेड हो जाएंगे। पेज को सेटअप करना है तो पेज सेटअप पे आप क्लिक करके इसको पेज को सेटिंग कर सकते हैं, जैसे क्या रख दे, ठीक है। तो आज इतना ही रह देते हैं, फिर कल सबको आइएगा और फिर कल की क्लास में हम बताएंगे आपको।